हेलो नमस्ते मरहबा अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है मेरे चैनल सफाई तरफ लाली एम और डी बोला कि ब्लॉग कोई में। अब तो देखा दी कुल मिला ताकत और करो तो कुत्ते आज लड़ने हम को जाएंगे। आ गए अपने राप्ती नदी पे। आप लोग अक्सर सुन रहे हैं कि राप्ती नदी इस समय उफान पे है और बाढ़ आने की संभावना है हर क्षेत्र में जहाँ राप्ती नदी गुजरती है। तो चलिए राप्ती नदी दिखाते हैं और देखिए क्या हाल है। ये धानी बाजार में है, राप्ती नदी बहुत ही उफान पे है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए अंत्येष्टि स्थल है, ये पूरा डूब चुका है। तो आपने देखा एकदम मतलब बहुत ही उफान पे है अपने यहाँ का राप्ती नदी। ये आपका हाई अलर्ट पे है, सिद्धार्थ नगर, बासी, धानी, गोरखपुर, ये सब हाई अलर्ट पे है। यहाँ भी कल डीएम सर के द्वारा निरीक्षण किया गया बांधों का। सब पानी नेपाल के द्वारा ही, दोनों देशों के सहयोग से ही होता है ये। ये हमारे यहाँ पानी छोड़िए, ये इतना पानी अभी नहीं था, ये पिछले अभी 4 दिन में ही बढ़ा हुआ है। और ये पानी नेपाल के द्वारा आया है, नेपाल से पानी इधर। नेपाल का पानी अगर खुला अपने यूपी में तो बाढ़ आया भैया, जबरदस्त है। वहाँ दूर एक गांव है, आप देख सकते हैं वहाँ पे तो पूरा डूब चुका है गांव। वहाँ एक गांव है, यहाँ वहाँ पे पूरा डूब चुका है। तो चलिए अपने यहाँ का सबसे नज़दीकी जो मंदिर है, मतलब यहाँ से
सीधा गांव अंदर है और यहाँ पानी बहुत ज्यादा आ गया है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। अगर वहाँ पे तुम खड़े नहीं, वहाँ पे तुम खड़े होके अगर प्रण कर लोगे तो तुमको सारा धन मिल जाएगा। वहाँ जाने के लिए क्या अगर छल गाड़ल मरियो यही है। डीएम सर द्वारा अभी निरीक्षण कर के कल गए हुए हैं। यहाँ पे आशंका जताए हैं कि 90% यहाँ आशंका है फूटने की, और ये सब लगवा के गए हैं सर लोग। मतलब रिस्की जोन यही है इतना दूर। तो जैसा कि आपने देख लिया, ये धानी का राप्ती नदी है, बहुत ही उफान पे है और पूरे गांव खतरे पे है। तो चलिए, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।